Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये video से हम start करेंगे new topic, वो है knapsack problem. ये question आपको solve करने के लिए तीन approach use करने हैं. तो यहाँ पे हमें question दिया है find an optimal solution for knapsack problem where n equal to 7, m equal to 15. और इसमें से n जो है वो number of objects है और m जो है वो है capacity. यहाँ पे हमें कुछ values दी है जिसमें p को हमें represent करना है as a profit और W को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज वेट. तो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की हमें टोटल वैल्यूज दी हुई है. तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स है 7. सबसे पहले आपको इसका टेबल बनाना है और इसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे पास टोटल 7. उसके बाद है कैपेसिटी. तो हमें क्वेश्चन में दिया है एम जो कि है 15. और सबसे पहले हम टेबल में लिखेंगे ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स है तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 to 7. उसके बाद है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट को आपको रिप्रेजेंट करना है एज पी आई. और इसके बाद है मिनिमम वेट. तो मिनिमम वेट को आपको रिप्रेजेंट करना है एज डब्ल्यू आई. इसके बाद है मैक्सिमम रेशियो जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी आई बाय डब्ल्यू आई. यानी आपको डिवाइड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मिनिमम वेट. तो पी आई में आपको यह सारी वैल्यूज पुट अप करनी है. तो सबसे पहले है 10, 5, 15, 7, 6, 18 और लास्ट में वैल्यू है 3. और उससे आपको लिखना है वेट. तो वेट की हमें वैल्यूज दी है 2, 3, 5, 7, 1, 4, 1. और इससे आपको इसका फाइंड करना है रेशो. तो इसका आपको रेशो की वैल्यू मिलती है 5 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए इसका रेशो मिलता है आपको 1.67 और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 3 और इसका आपको रेशो की वैल्यू मिलती है 3. और उसके बाद है ऑब्जेक्ट नंबर 4 तो इसकी रेशियो की आपको वैल्यू मिलेगी 1 और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है 5 इसकी आपको वैल्यू मिलेगी 6 और नेक्स्ट है 6 और इसकी आपको वैल्यू मिलेगी 4.5 और लास्ट ऑब्जेक्ट है 7 और इसकी आपको रेशियो वैल्यू मिलेगी 3. और जैसे आपको मैंने बताया कि आपको ये तीन अप्रोच से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे मेथड 1 और इसमें आपको लिखना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट with maximum profit जो कि है पी आई. एंड आपको यह पूरे सीक्वेंस में आपको देखना है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो सबसे पहले ये आपको ब्लैंक छोड़ना है पोर्शन और आपको यहाँ पे रिमेनिंग वेट लिखना है 15 क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैपेसिटी दी है यहाँ पे 15 और आपको ये स्टेप से अभी इसे सॉल्व करना है. और यह सीक्वेंस में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑब्जेक्ट नंबर 6 और उसकी वैल्यू है 18. यानी आपको सबसे पहले यूज़ करना है ऑब्जेक्ट नंबर 6. तो आप ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है 6, प्रॉफिट में आप लिखोगे 18 और उसका वेट हमें दिया था क्वेश्चन में 4, आपको वो भी यहाँ पे लिखना है. फिर रिमेनिंग वेट में आप माइनस करोगे 15 माइनस वेट, ये होगा फिर यहाँ पे माइनस 4 और आपको वैल्यू मिलती है 11. और इसके बाद हम लिखेंगे हायर प्रॉफिट. तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 15. आपको हायर से लोअर वैल्यू की तरफ जाना है. तो नेक्स्ट हायर वैल्यू है 15 और वो ऑब्जेक्ट है 3. फिर आपको यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट में 3, पी आई की वैल्यू है 15 और डब्ल्यू आई की वैल्यू हो जाएगी 5. और फिर आपको करना है 11 माइनस 5 और इसकी आपको वैल्यू मिलती है 6. और नेक्स्ट हायर प्रॉफिट वैल्यू है ऑब्जेक्ट नंबर 1 की. यानी आपको नेक्स्ट एंटर करना है ऑब्जेक्ट 1, इसकी पी आई की वैल्यू है 10, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 2 और यहाँ पे आप माइनस करोगे 6 माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4. इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके रिमेनिंग वेट आना चाहिए 0. तो आपको इस तरह से अरेंज करना है ताकि यहाँ पे वेट आना चाहिए 0. तो देखिए आपको कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. तो ये केस में आपको देखना है ऑब्जेक्ट का रेशो, जिसमें सबसे कम रेशो जिस ऑब्जेक्ट का रहेगा वो आप वैल्यू यहाँ पे यूज़ करोगे. तो यहाँ पे देखिए सबसे कम रेशो है 1 और वो ऑब्जेक्ट है नंबर 4. यानी आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो यूज़ करना है वो है 4 और यहाँ पे आपको एक पार्शियल प्रॉफिट आपको निकालना है. तो उसके लिए आप वैल्यू यूज़ करोगे 4 इंटू रेशो, तो वो है यहाँ पे 1. तो आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पे 4 और वेट में भी आपको यूज़ करना है वैल्यू 4 और यहाँ पे हो जाएगी फिर वैल्यू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. इसके बाद फिर आपको ये टोटल करना है और आपको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट. तो आपको टोटल पी आई की वैल्यू मिलती है 47.
अब इसके बाद है मेथड टू, इसमें आपको यूज करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट, जो कि है डब्ल्यू आई, और इसमें आप मिनिमम वेट से हायर वेट की तरफ जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट ब्लैंक छोड़ना है, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वेट रहेगा 15, और आपको ये 15 हर स्टेप में आपको यूज़ करना है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट की सबसे लोएस्ट वेट है। तो यहाँ पे है 5 और 7, और उसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पे भी है 1। तो आपको ये सीक्वेंस में जाना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे 5, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 5, उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 6, और उसका वेट है 1, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है 15 - 1 = 14, क्योंकि आपको रिमेनिंग वेट माइनस डब्ल्यू आई करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप यूज़ करोगे 7, और उसकी पी आई की वैल्यू है 3, और डब्ल्यू आई की वैल्यू है 1, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 14 - 1 = 13। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट वेट, जो कि है यहाँ पे 2, और वो ऑब्जेक्ट है नंबर 1, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1, और उसकी पी आई की वैल्यू है 10, और डब्ल्यू आई की वैल्यू है 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 - 2 = 11। अब इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट वेट, और वो ऑब्जेक्ट है 2, जिसकी वैल्यू है 3, एंड आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे 2, और उसकी पी आई की वैल्यू है 5, और डब्ल्यू आई की वैल्यू है 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 - 3 = 8। अब इसके बाद है नेक्स्ट हाईएस्ट वेट, और वो ऑब्जेक्ट है 6, और उसकी डब्ल्यू आई की वैल्यू है 4, एंड आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, वो है 6, और उसकी पी आई की वैल्यू है 18, और डब्ल्यू आई की वैल्यू है 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4 = 4। अब तक के हमने डब्ल्यू आई 4 तक के हमने सॉल्व किया है। फिर इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट हाईएस्ट वेट, तो वो है ऑब्जेक्ट नंबर 3, और उसकी वैल्यू है 5, पर आपको लास्ट स्टेप में हमेशा यूज़ करना है उसका रेशो। तो यहाँ पे वैल्यू है 3, तो आप ये वैल्यू यूज़ करोगे 4 * रेशो, जो कि है 3, और ये वैल्यू हो जाएगा = 12, और यहाँ पे वेट भी हो जाएगा 4, फिर आपको लिखना है 4 - 4 = 0, फिर आपको इसका लिखना है टोटल प्रॉफिट। तो फिर आप ऐड करते हो, तो आपको टोटल प्रॉफिट मिलता है 54, और इसके बाद है फिर मेथड 3, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम पी आई बाय डब्ल्यू आई, एंड आपको देखना है मैक्सिमम रेशो। अब तक हमने दो स्टेप में, एक बार हमने यूज़ किया था मैक्सिमम प्रॉफिट, और फिर हमने यूज़ किया था मिनिमम वेट, और लास्ट में आपको यूज़ करना है भी प्रॉफिट बाय रेशियो, जो कि है पी आई बाय डब्ल्यू आई। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले आप ब्लैंक छोड़ोगे, और आपको यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग वेट 15, और इसके बाद फिर देखेंगे मैक्सिमम रेशो, जो भी ऑब्जेक्ट का रहेगा वो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेशो है 6, और वो ऑब्जेक्ट है 5, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 5, उसकी पी आई की वैल्यू है 6, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 1, फिर आपको करना है यहाँ पे 15 - 1 = 14। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट रेशो, और वो वैल्यू है 5, और वो ऑब्जेक्ट है 1, एंड आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है 1, और उसकी पी आई की वैल्यू है 10, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 2, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 14 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट रेशो, तो वो वैल्यू है 4.5, और वो ऑब्जेक्ट है 6, फिर आपको नेक्स्ट इंसर्ट करना है 6, उसकी पी आई की वैल्यू है 18, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 4, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 12 - 4, ये हो जाएगा 8। अब इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट रेशो, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है, और वो ऑब्जेक्ट है 3 और 7, तो यहाँ पे भी सेम आपको सीक्वेंस में जाना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 3, फिर आप लिखोगे 3, और पी आई की वैल्यू है 15, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 5, फिर आपको लिखना है 8 - 5, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसके बाद फिर आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट 7, और उसकी पी आई की वैल्यू है 3, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 1, फिर आपको लिखना है यहाँ पे 3 - 1 = 2, और इसके नेक्स्ट स्टेप में आना चाहिए 0, फिर आपको लिखना है नेक्स्ट हाईएस्ट रेशो, तो वो है 1.67, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 2, फिर आप यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट निकालना है, तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है 2 * रेशो, जो कि है 1.67, और फिर आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है 3.34, और वेट में आपको लिखना है 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 = 0,
फिर आपको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट, तो आपको वैल्यू मिलती है 55.34। फिर आपको लिखना है यहाँ पे कंक्लूजन, तो आपको हमेशा देखना है उसका टोटल, जो भी मेथड का सबसे हाईएस्ट टोटल वैल्यू रहेगी वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो फिर आपको लिखना है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अप्रोच, प्रॉफिट बाय वेट इज द बेस्ट मेथड। बस लास्ट में आपको बस ये मेंशन करना है, नैपसैक प्रॉब्लम के एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। आने वाली वीडियोस में उसके और भी एग्जांपल देखेंगे, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।